तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन ब्लॉग्स 18। और आज के इस एपिसोड में हम ब्लॉग में देखने जा रहे हैं हमारा एक नया नोवेला दुल्हन को। तो चलिए देखते हैं नया नोवेला दुल्हन को। और दिखाने से पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं हमारी धन्नो का। तो ये राइड अभी हम श्योक फाटक से सिर्फ 6 मील तक कर रहे हैं, क्योंकि ये बाइक जो है ये सर का है, देव कुमार सर का, जो LIC के सर हैं हमारे, वो करशंग घयाबारी से हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी बहुत देरी भी हो चुका है क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। सर आज घर जाने वाले हैं तो थोड़ा सा टाइम मांग के हमने बाइक टेस्ट के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम लिया है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। चलिए चलते हैं। ये बाइक उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सिर्फ 15 दिन हुआ होगा शायद, उन्होंने 15 दिन ही हुआ है ये बाइक ऑन करते हुए। तो उन्होंने 150 पल्सर ख़रीदा है। अभी ये चल चुका है 600 किलोमीटर्स, इतना कुछ चल चुका है। तो अभी नया है बाइक, तो बहुत मस्त चल रहा है। और क्या कहूँ भाई, बाइक पहली बार चला रहा हूँ तो फील कुछ अलग है। देखिए भाई साहब, सीन कितना अच्छा रहा है यहाँ पे, ये ऊपर गुफा पाताल और दोनों साइड अभी पाइन ट्रीज और बीच में रास्ता है। रास्ते के उस पार नेपाल है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट साइड में इंडिया है। तो रास्ता ही एक बॉर्डर है जो नेपाल और इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सिनेरियो, आप कमेंट करो भाई, कमेंट डाउन करो। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं 6 मील, तो अभी हम यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, चलिए चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत मतलब टाइम का पाबंदी है। तो
चलिए चलते हैं घर की तरफ। चलिए घर की तरफ ही चलते हैं क्योंकि सर को बहुत देरी हो जाएगा, क्योंकि उनको पहुंचना है कर्शिंग। तो घर की तरफ चलते हैं, वो अभी रेडी होकर रास्ते में बैठे हुए हैं। हम सीधा जाके उनको बाइक दे देंगे और वो घर की तरफ निकल जाएंगे। और अभी हम यहाँ व्यू पॉइंट में हैं, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3-4 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने में श्योक फाटक। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी में चलते हैं, पर ज़्यादा तेज़ी से नहीं भगाऊंगा बाइक को, क्योंकि अभी अभी सिखाऊं बाइक, तो इसीलिए स्कूटी होता तो स्कूटी में तो आराम से निकल लेते, पर बाइक है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा वो होता है परेशानी। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ 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 कमेंट डाउन करिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट आल्सो टू हिट द बेल आइकन। देखिए आप लोग, आप वीडियो तो देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, एक सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन ही दबाना, तो 5 सेकेंड लगेगा भाई, 5 सेकेंड। और हमारा यहाँ कैमरामैन पिंटू कुमार ठाकुर, हमारे कैमरामैन अभी के यहाँ। आप लोगों को लगा होगा कि मैंने नया बाइक लिया है, पर ये हमारा बाइक नहीं है, ये सर का है। तो हम बाइक लेने का प्लान तो कर रहे हैं, पर अभी नहीं लगेगा टाइम, एक मतलब 1.5 ईयर से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी घर भी बन रहा है। तो घर में एक है स्कूटी है TVS Ntorq, उसका भी मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाला है, पर जल्दी डालूँगा। तो अभी स्कूटी में ही ठीक है, हम बाइक ले लेंगे 2 साल के बाद ले लेंगे, ठीक है। और ऐसा वैसा बाइक भी नहीं लेंगे, पूरा अच्छा वाला बाइक लेंगे। सर अभी यहीं पर हैं, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कॉमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।